सो हे दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं Redmi Note 9 Pro के बारे में। तो गाइस, जैसा कि आपको पता है, ये स्मार्टफोन काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में और ये लॉन्च होने वाला है 2020 के Q1 के स्टार्टिंग में। तो गाइस, इस वीडियो में देखने वाले हैं कि आपको क्या कुछ स्पेसिफिकेशन मिलने वाला है Redmi Note 9 Pro डिवाइस में, साथ में प्राइसिंग के बारे में बात करेंगे, लॉन्च डेट के बारे में भी बात करेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में, जहाँ पे ये सारी चीज़ों के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो आइए गाइस, फटाफट शुरू कर लेते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले यहाँ पे बात करेंगे यहाँ पे Redmi Note 9 Pro के बिल्ड क्वालिटी एंड डिजाइन के बारे में। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं, यहाँ पे आपको मिलने वाला एक ग्लास वाली बैग, जहाँ पे आपको ग्लॉसी ग्रेडिएंट का फिनिशिंग देखने को मिल जाएगा, साथ में आपको गोरिल्ला ग्लास की भी प्रोटेक्शन देखने को मिल सकती है। और जैसे कि अभी ट्रेंड में चल ही रहा है, तो आपको यहाँ पे 4-5 कैमरास वाले सेटअप भी देखने को मिल जाएंगे पीछे के साइड में। अब बात करते हैं फोन के फ्रंट साइड के बारे में। तो जैसा कि आपको पता है, Redmi Note Pro का जो प्राइस होता है वो मिड रेंज सेगमेंट का होता है। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं, यहाँ पे आपको एक IPS LCD वाला पैनल मिलने वाला प्राइस को कम करने के लिए, जहाँ पे आपको 6.4 इंच का डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा, साथ में आपको यहाँ पे देखने को मिल सकता है एक वाटर ड्रॉप नॉच या फिर आपको मिल सकता है पंच होल कैमरा। अगर यहाँ पे बात करेंगे फोन के कुछ और फीचर्स के बारे में, तो यहाँ पे आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर नहीं देखने को मिल सकती है, यहाँ पे आपको बैक की तरफ ही फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिल जाएगी, साथ में आपको गोरिल्ला ग्लास की प्रोटेक्शन देखने को मिल जाएगी। तो अब यहाँ पे बात करते हैं फोन के चिपसेट यानी प्रोसेसर के बारे में। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं, यहाँ पे 5G आने में काफी ज्यादा टाइम है इंडिया में, जो कि लग सकता है 3 से 4 साल, जैसा कि नई रिपोर्ट आई है। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा इसमें कोई नॉर्मल सा प्रोसेसर, जो कि होगा कोई MediaTek का अच्छा सा प्रोसेसर, या फिर आपको Snapdragon 7 सीरीज का प्रोसेसर देखने को मिल जाएगा, जो कि आपको गेमिंग के लिए काफी ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस देने वाला है। साथ में यहाँ पे आपको ये मिल जाएगा Android Q के ऊपर और आपको मिलेगा MIUI 11 का OS। अगर यहाँ पे बात करेंगे फोन के कैमरास के बारे में, तो यहाँ पे आपको 3-4 कैमरास तो नहीं, यहाँ पे आपको 4-5 कैमरास देखने को मिल सकते हैं। और यहाँ पे मोस्ट प्रोबेबली Redmi Note 8 Pro का जो कैमरा है वही रिटेन होगा Redmi Note 9 Pro में, जहाँ पे आपको 60 MP का मेन कैमरा मिलेगा, जिसमें कि सोनी का 868 वाला सेंसर होगा, साथ में आपको अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस, डेप्थ सेंसर और मैक्रो लेंस भी देखने को मिल सकता है। सेल्फी के बारे में बात करें, तो यहाँ पे आपको 32 MP का सेल्फी कैमरा या फिर 20 MP का सेल्फी कैमरा देखने को मिल सकता है। तो अगर यहाँ पे बात करेंगे फोन के बैटरी कंपार्टमेंट के बारे में, तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं, यहाँ पे आपको 5000 mAh की बैटरी देखने को मिल सकती है, साथ में आपको 18W से ऊपर वाली फास्ट चार्जिंग की स्पीड देखने को मिल जाएगी, और हो सकता है आपको कम से कम 18W का फास्ट चार्जर देखने को मिल जाए बॉक्स में ही। साथ में आपको टाइप सी का पोर्ट भी मिल जाएगा और 3.5 mm हेडफोन जैक भी देखने को मिल जाएगा। तो बस गाइस, ये तो कुछ कंफर्मेशन जो कि मैंने आपको बता दिया। अगर पसंद आया तो प्लीज लाइक करना। लेकिन फाइनली बात करें फोन के प्राइसिंग के बारे में, तो गाइस, इसका जो इनिशियल रैम वेरिएंट है, ये लॉन्च होगा 16 से 15 हज़ार रुपए के प्राइस रेंज के अंदर ही। और लॉन्च डेट के बारे में, तो जैसा कि मैंने आपको बता ही दिया, ये 2020 के Q1 के स्टार्टिंग में देखने को मिल सकता है, जैसा कि Redmi Note 7 Pro भी लॉन्च हुआ था। तो बस गाइस, आज की इस वीडियो में बस इतने। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलता है हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर, गुड बाय।